किसान नेता राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किसान के महानेता चौधरी चरण सिंह को आज आप श्रद्धांजलि देने आए हैं। हाँ जी, हाँ, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जन्मदिन है इनका, याद कर रहे हैं यहाँ पे। और जब यहाँ पाते हैं तो ये लगता है कि जो महान लोग थे, जिन्होंने एग्रीकल्चर पे गांव पे काम करा, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर काम करा, तो उनकी उस पहाड़ का शांति मिलती है यहाँ पे। और हमेशा चौधरी साहब ने गांव के विकास पे काम करने की बात करी, खेती को मजबूत करने की बात करी। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद से आपकी राजनीतिक भूमिका के ऊपर चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव भी चल रहे हैं, क्या कुछ रहेगा आगे आपका? चुनाव को तो जनता करेगी, जो कुछ करेगी। अजय जी ने चुनाव लड़ना भी करेंगे। एक ही चीज पे काम हो रहा देश में, वोट कैसे मिलेगी, सब उस पर लग रहे। वोट चाहिए बस, ना विकास पे है, ना सड़कों पे है, ना एजुकेशन पे है, ना अस्पताल पे है, सब उस पर लग रही कि वोट कैसे मिलेगी। भाई काम करो, ठीक, वोट तो मिली जाएगी, वोट तो जनता दे ही दे, देश में वोट ही तो फ्री में मिले। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसान बहुत खुशहाल हैं, पहले किसानों पर लाठियां बरसती थी, अपनी बरसती। दिल्ली में लग रहे बोर्ड, गन्ना भुगतान हो गया है उत्तर प्रदेश का मामला, बोर्ड लग रहे है दिल्ली में, लग रहे गन्ना भुगतान हुआ है नहीं। अभी आपसे पहले जयंत चौधरी जी आए थे, अब आप यहाँ किसान घाट पहुंचे हैं, क्या जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या उनके लिए प्रचार करेंगे? ना, हम तो नहीं करते प्रचार। और हम क्या चुनाव लड़ रहे हैं भाई, उन्हें चुनाव लड़ना भी लड़ लेंगे। चौधरी साहब तो सबके हैं भाई, चौधरी चरण सिंह तो सबके हैं, यहाँ सबको आना चाहिए। आने वाले दिनों में हम आपको किसी मंच पर देखेंगे? ना, हमें तो नहीं देखोगे किसी मंच पर भाई। किसान घाट तो सबका है, सबको आना चाहिए यहाँ पे। थोड़े से देख पड़ा जयंत जी आए, उन्होंने बता तो है नहीं कि वे भी आ रहे, हमें तो नहीं बताया किसी ने कि वे आ रहे हैं। आए हुए हैं वे भी है, जयंत जी आ रहे हैं। अच्छा, आना चाहिए। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो क्या ये थे किसान नेता राकेश टिकैत, जिनका कहना है कि आने वाले दिनों में किसी भी चुनावी मंच पर दिखेंगे नहीं। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन खत्म हुआ है, उसके बाद से लगातार राकेश टिकैत की राजनीतिक भूमिका के ऊपर कई चर्चाएं जो हैं वो गर्म हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध समस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।